हेलो दोस्तों नमस्कार, आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल एग्री फास्ट ट्रैक विद एग्री वाला। दोस्तों आपको बता दें, जो यूपी कैटेट बीएससी एग्रीकल्चर की जो काउंसलिंग हो रही थी, तो उसमें डॉक्यूमेंट अपलोडेशन तक का वीडियो एक इसके पहले हम लेकर आ चुके हैं, और इसमें इसके आगे हमें क्या करना है उसके बारे में बताएंगे। तो चलिए दोस्तों देखते हैं। इसमें आपको बता दिया था कि सभी डॉक्यूमेंट को अपलोड करके यहाँ पे लॉक एंड सबमिट पे क्लिक कर देना है। जब आप इतना काम कर दोगे तो उसके बाद आपको कुछ ऐसा इंटरफेस देखेगा जहाँ पे आपके डॉक्यूमेंट जब अपलोड हो जाएंगे, तो जैसे पहले आपको यहाँ पे क्या था कि चूज फाइल का ऑप्शन दिख रहा था, लेकिन अब ऐसा नहीं है क्योंकि फाइल हमारी अपलोड हो चुकी है। उसके बाद में आप ये जो व्यू के ऑप्शन दिए गए हैं यहाँ पर, इन पर जा कर के आप अपने जो डॉक्यूमेंट अपलोड किए हैं वो देख सकते हो, अच्छे से क्लियर दिख रहे हैं कि नहीं दिख रहे हैं। ठीक है दोस्तों, और ये जो एफिडेविट वाला ऑप्शन है, यहाँ पे केवल जिन लोगों का गैप ईयर है उन्हीं को अपलोड करना है और किसी को नहीं अपलोड करना है। ठीक है दोस्तों, जैसे किसी का एक साल का गैप हो गया है तो वो एक साल का अपना एफिडेविट बनवाएगा, और जिसका 2 साल का हो गया वो अपना 2 साल का एफिडेविट बनवा के नोटरी के पास बनेगा, वहाँ से बनवा के यहाँ पर अपलोड करना था। ठीक है दोस्तों, इसके बाद दोस्तों जब आपका डॉक्यूमेंट अपलोड हो जाएगा, उसके बाद में यूनिवर्सिटी जो है उसे वेरीफाई करेगी, देखेगी डॉक्यूमेंट आपके अगर सही होंगे तो वेरीफाई करेगी, अगर गलत होते हैं या कोई उसमें कमी रह जाती है, क्लियर नहीं दिख रहे हैं या फिर उनका साइज अधिक है, तो यूनिवर्सिटी की तरफ से वो रिजेक्ट हो जाएगा। और उसके लिए आपको री अपलोडिंग का ऑप्शन दिया जाता है, वो 1 दिन का रहता है, उसमें आप डॉक्यूमेंट को फिर से आप अपलोड कर सकते हो, उसके बाद में यूनिवर्सिटी जो उसे रीवेरीफाई कर देती है। ठीक है, उसके बाद दोस्तों आपको सिक्योरिटी फ़ीस जो 5,000 रुपये होती है वो आपको पे करनी होगी, और सिक्योरिटी फ़ीस जब आप पे कर दोगे आपको तो सीट अलाटमेंट लेटर आ जाएगा। जब आप लॉगिन करोगे अपनी आईडी, तो उस पर नीचे दिया रहेगा सबसे नीचे सीट अलाटमेंट लेटर, तो आप उसको डाउनलोड कर लेना है और प्रिंट करा लेना है। तो उसको प्रिंट करा के जब आप रिपोर्टिंग के लिए यूनिवर्सिटी, जहाँ जो भी आपको यूनिवर्सिटी मिली है या कैंपस मिला है, जब आप वहाँ पर जाओगे तो उस सीट अलाटमेंट लेटर को लेके जाना है। ठीक है दोस्तों, और आपको एक और बात जो बहुत ज़रूरी है दोस्तों, बहुत से लोगों को नहीं पता होगा, जब आप रिपोर्टिंग टाइम में रिपोर्टिंग के लिए जाएंगे यूनिवर्सिटी के लिए, तो आपको जितने भी डॉक्यूमेंट आपने अपलोड किए हैं, आपके जो भी हो मार्कशीट, एफिडेविट और जो भी आपके TC, चरित्र प्रमाण पत्र वगैरह जो भी हो, सारे जो डॉक्यूमेंट अपलोड किए हैं उनको कम से कम 3 से 4 कॉपी उनकी निकलवा लेनी है, और जो अलॉटमेंट लेटर है उसकी भी 3 से 4 कॉपी निकलवा लेनी है, और उनको यूनिवर्सिटी लेके जाना है। क्योंकि क्या होता है कि 2 से 3 कॉपी तो जमा ही हो जाती हैं आपकी, और दोस्तों एक आध बच भी जाएंगी तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन वहाँ कम ना पड़े, इतनी कॉपी निकलवा लेना, कम से कम 4 कॉपी निकलवा लेनी है जितने भी डॉक्यूमेंट आपने अपलोड किए हैं। ठीक है दोस्तों, इन सभी को लेकर जाना है, और जो भी आपकी फ़ीस हो उसको भी लेकर जाना पड़ेगा, जब रिपोर्टिंग टाइम में पूरी फ़ीस वहीं जमा हो जाएगी। ठीक है दोस्तों, और दोस्तों इसके बाद में हम जो डेट हैं आगे इनको भी देख लेते हैं, इससे क्या होगा कि आपको डेट जो है याद बनी रहे, कोई गलती ना हो। वैसे आपको हो सकता है आपको मैसेज आपके नंबर या ईमेल पर आ जाए, लेकिन फिर भी एक बार हम जो डेट दी गई है इन पर इनको आपको दिखा देते हैं, इससे क्या होगा कि आपको याद बना रहेगा, भूलेंगे नहीं। तो इसमें जो है डॉक्यूमेंट तो आपका वेरिफिकेशन यूनिवर्सिटी करेगी 16 से 20 सितंबर के बीच में। ठीक है दोस्तों, उसके बाद जिसका रिजेक्ट हो जाएगा उसके लिए रीअपलोडिंग के लिए दिया गया है 15 से 21 तक वो रीअपलोड कर सकता है, और उसके बाद में ये रीवेरिफिकेशन हो जाता है, रीअपलोडिंग जो है इसका वेरिफिकेशन वो लोग कर देंगे उधर से। ठीक है दोस्तों, उसके बाद सिक्योरिटी फ़ीस यदि गई 15 से 23 सितंबर को आपको जो है सिक्योरिटी फ़ीस, इसी बीच में आपको जब भी आपके पास ऑप्शन आ जाएगा आपको सिक्योरिटी फ़ीस पे कर देनी है। उसके बाद आपको ये जो अलाटमेंट लेटर है ये आपको डाउनलोड कर लेना है, 15 से 24 के बीच में ही आएगा। ठीक है, और उसके बाद में आपको यूनिवर्सिटी के लिए जो है रिपोर्टिंग के लिए जहाँ पे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन वो लोग ओरिजिनल भी लेके जाने हैं और फोटोकॉपी दोनों प्रकार के ले जाने हैं। ठीक है दोस्तों, तो वहाँ पे चेक किया जाएगा आपका, 22 से 25 सितंबर के बीच में बुलाया जाएगा, आपको मैसेज वगैरह कुछ ना कुछ ज़रूर आएगा, और आप ध्यान रखें 22 से 25 सितंबर के बीच में ही आपको वहाँ जाना है। ठीक है दोस्तों,
और दोस्तों जो भी आपकी फ़ीस हो वो लेकर जाएं। ग्रेजुएशन में जो फ़ीस है 32,500 है, 32,500 आपकी फ़ीस लगेगी। और जिन्होंने पैड सीट ली हुई है उनका 32,500 प्लस 50,000 ये पर समय पर ईयर जो होता है इनका 50,000 रुपये इनका पर ईयर जमा होता है, ठीक है दोस्तों। तो उनको 82,500 रुपये टोटल लेके जाना है, ठीक है दोस्तों। इतना तो आपका फ़ीस है केवल आपको दोस्तों, अगर 82,500 आपका फ़ीस है तो कम से कम 90,000 रुपये लेकर जाएं, ठीक है। और दोस्तों अगर आप एटीएम वगैरह लेके जाएंगे तो भी बहुत अच्छी बात है, लेकिन फ़ीस तो कम से कम कैश में ही लेकर जाएं, क्योंकि वहाँ एटीएम पर हो सकता है भीड़ वगैरह यूनिवर्सिटी में फ़िलहाल होते हैं, लेकिन फिर भी अब काफ़ी लोग होते हैं वहाँ जो नहीं लेकर जाएंगे, यहीं सोच कर जाएंगे कि हम वहीं निकाल लेंगे या कुछ भी करेंगे, तो इस ऐसा ना करें आप। तो दोस्तों अपनी फ़ीस और जो भी आपका किराया वगैरह लगे उतना तो आप कैश लेकर ही जाएं, और बाकी अगर ज़रूरत पड़े तो फिर आप एटीएम वगैरह भी लेकर जाएं। वहाँ आप यूनिवर्सिटी में जो एटीएम और बैंक दोनों रहती हैं, फिलहाल बैंक से आपका तो कोई लेना देना ही नहीं है, वहाँ आप जाकर एटीएम के द्वारा निकाल सकते हैं, ठीक है दोस्तों। दोस्तों अगर आपकी कोई क्वेरी है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में हमें बताएं, या फिर हमारे इंस्टाग्राम चैनल एग्री फास्ट ट्रैक विथ एग्री वाला पर जाके हमें मैसेज करें। और इसका जो है लिंक हमने हमारे जो है यूट्यूब चैनल के अबाउट में जाकर आप वहाँ पे लिंक मिल जाएगा इंस्टाग्राम का, आप वहाँ से इंस्टाग्राम पे जाके हमें मैसेज कर सकते हैं, ठीक है दोस्तों। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस कर लें। इससे क्या होगा कि हम जो भी वीडियो लेकर आते हैं उसकी नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाएगी। और दोस्तों आपको जो भी दिक्कत हो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, ठीक है दोस्तों। और मिलेंगे इसी के साथ नेक्स्ट वीडियो में। ओके, थैंक यू, बाय बाय।